हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मुझे तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, घर में काम वगैरह हो रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं नहीं बनाती इतने शोर में वीडियो। और बस आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आ गई हूँ जी आप सबके सामने। और ये वीडियो मैं बना रही थी, फिर मुझे शोर सुनाई दिया बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा कि मैं इस पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वरना सिर्फ आपको ना शोर ही सुनाई देना था। तो चलते हैं जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मुझे पता लगता है कि जी मेरी वीडियो पर कौन कौन आया था। थैंक यू जी। ये देखिए जी, यहाँ पे मशीन लग रही है। सबसे पहले बेडशीट्स धुल रही हैं, इसके बाद पापा ने जो वॉक पे जाना होता है उसकी शर्ट्स वगैरह सारी बेडशीट्स धुलने वाली थी, कपड़े भी धुलने वाले थे। मैंने सोचा कि आज ही जो है ना मशीन लगा लेते हैं। हेल्पर भी आई हुई थी तो वो थोड़ी सी मेरी जो है ना हेल्प करवा देती है, साथ सुकून आ जाता है ज़िंदगी में। तो बस ये जो बेडशीट है ना, ये सारी की सारी शुमाइला ही धोएगी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बेडशीट्स धोऊं। बाकी शर्ट्स वगैरह वो मैं खुद धो लेती हूँ, लेकिन बेडशीट्स नहीं होती मुझसे, मेरे हाथ में बहुत शदीद दर्द होता है। देखें, अच्छा आप सब मुझे कहते हैं कि आप ना हेल्पर से कुछ नहीं करवाती, खुद ही धोती रहती हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी धोती हैं। बेडशीट्स जो है ना वो मुझसे नहीं होती, इस वजह से मैं इनको कह देती हूँ कि यार बेडशीट कर दो। तो आज वैसे ही मैं थोड़ी सी ढीली ढीली सी हूँ, दिल नहीं कर रहा तो सारा ही ये कर रही है। पानी से मैं निकाल दूँगी और तार पे ये डाल देगी, मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मैं छाँव में बैठी रहूँगी, ये धूप में काम करेगी। देखो आप लोग इसी का इंसाफ। क्या है, तुम धूप में काम नहीं करती? मैं नहीं करती, मुझसे नहीं, मतलब किसी न किसी जवाब, हाँ देंगे सारे जवाब। सब ने ये कहना है आप जालिम हैं, आप धूप में खुद नहीं जाती, दूसरों को धूप में लेके जाती हैं। ये तो खैर जो भी है यार, इनका तो काम है, पैसे दिए मैं इनको इस चीज़ के। जो पैसे देते मासियों को ऐसे मारते हैं धूप में यार, वो इंसान नहीं होती क्या? खैर तो ये देखे जी, अब मैं जल्दी जल्दी से इसे धोती हूँ। ले जी, नीचे देख भी आ गई है, बस अब हम जाते हैं। जी जी आ रहा है भाई, वो मुझे देख के कह रहा है आपकी देख आ गई है, मैं थोड़ी नीचे जाऊँगी, ले आएगा तो वही लेके जाएगा। धूप में शुक्र है हवा चल रही है, जल्दी जल्दी जो है ना कपड़े सूख भी जाएंगे। देखिए जी, देख बन के आ गई है, ये देखें बिरयानी। अभी हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यहाँ जो है ना मम्मा ख़त्म दे रही हैं पानी और बिरयानी पर, इसके बाद फिर पैकेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। शुक्रिया। ये देखें जी, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं शॉपर में। ये जा रही है जी शॉप पे, तो बस इसको हमने बांध दिया है। ले जी, हम अब टेस्ट कर रहे हैं बिरयानी, और इतनी कोई मज़े की बनी है, आपको भी देख के भूख लग रही होगी। हम सब इस टाइम बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं। इसमें अब जितनी है ना बस निकालने लगे हैं, थोड़ी सी है। माँ जी, ये बहुत बड़ा बर्तन दे दिया आपने, को छोटा दे दो, ये चावल छोड़े हैं। माँ कुकर दे दो, कुकर दे, नीचे रखो ना। ये दे, माशाल्लाह सारा हमने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये अपने लिए हमने थोड़े से रखे हैं, ये हमारी देख वाली है जो कि देख का सफाया कर रही है। अभी जो है ना देख उठाने वाला लड़का आ रहा है, उसको थोड़ा सा हम डाल के दे रहे हैं, वो भी गरीब होता है बेचारे को खाने को मिल जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और बस ये देख खाली करके रख दी है, अभी वो आएगा तो ले जाएगा, फिर मैं किचन की सफाई करूँगी, सारा धो दूँगी।
लें जी, ग्रोसरी भी आ गई है और बस अभी इसको मैंने समेटना है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या क्या आया है। नूडल्स तो भाई मस्ट होते हैं, इसके बगैर मैं कहती हूँ ग्रोसरी इनकम्प्लीट है। और मैक्रोनी, पास्ता, ये चीज़ें भी बहुत हम सब बच्चों को पसंद है, तो मम्मा ये लाजमी मंगवाती हैं। चने की दाल मैंने बहुत ज़्यादा मंगवाई है, मैंने कहा कि कबाब बनाने हैं। चने आप ही ने बोला था कि मैंने चने और पूड़ी का नाश्ता करना है। बाकी बहुत थोड़ा मंगवाया, इतना ज़्यादा नहीं मंगवाया। चीनी घर में थी, बेसन घर में था, हर चीज़ रखी हुई थी, बस जो चीज़ ख़त्म होती है बस वही। और ये बहुत अरसे बाद नेशनल का हम लोगों ने अचार मंगवाया, हमारे गले ख़राब होते हैं, मम्मा मंगवाती नहीं थी, तो इस बार जो है ना मम्मा ने कहा चलो मंगवा ही देती हूँ, कुछ नहीं बना होता मेरे बच्चे यही खा लेते हैं। और घी हम लोग डालडा यूज़ करते हैं, ऑयल हम एशिया यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी शॉपिंग, ये भी हो गई है, सब आप लोगों को मैंने दिखा दिया।